आज हम इधर सेक्शन में कैसे पैसेंजर्स को अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सकें और क्या क्या काम किए जाने चाहिए जिससे कि पैसेंजर की का ट्रैवल आरामदायक और अच्छा बन सके। उसी कड़ी में अभी आपने देखा कि ट्रेनों की साफ़ सफाई के लिए मैनुअल काम होता था, उसके लिए एक ऑटोमेटिक वॉशिंग क्लीनिंग प्लांट बनाया गया है एंड स्टेशन और बाकी सेक्शंस में भी काफ़ी काम हो रहे हैं। और पैसेंजर्स की सुविधाओं के सुधार के लिए रेलवे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और काफ़ी नए ट्रैक्स बन रहे हैं और स्टेशंस का डेवलपमेंट हो रहा है। इस रेलवे में 92 स्टेशंस का अमृत स्टेशन के अंतर्गत विकास किया जा रहा है और अच्छी सुविधाएं देने के लिए जहाज़ा के लिए आपने देखा ना अभी ये लगाया जा रहा है, साफ सफाई हो रहा है और बाकी काम भी होंगे। आपको अमृत भारत में स्कीम में लेने की कोई प्लानिंग? हम झाझा क्या है कि काफ़ी हम लोगों ने एक बार में 1300 स्टेशन ले लिए हैं, अभी जब वो थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे फिर अगले और फिर लेंगे। एक साथ पूरे लेने से कुछ फ़ायदा नहीं ना, सारे तोड़ के इधर उधर रहेंगे। 500 समथिंग लिए गए हैं, 508 पे काम शुरू हो गया जो PM साहब ने शुरू करा है। उसके बाद बाकी और सेलेक्ट किए गए हैं कुछ प्रायोरिटी के हिसाब से, उसके बाद झाझा का भी नंबर आएगा। झाझा के लोग उम्मीद करें कि हाँ बहुत जल्दी आएगा वो, जैसे ही खत्म हो गया आगे बढ़ेगा फिर ये भी नंबर आएगा। त्रिवेदी साहब आपके पूर्व के पदाधिकारी GM साहब, उन्होंने झाझा में 3 रेलवे तालाब आते हैं सर, उसके सौंदर्यीकरण की फाइल आपके यहाँ पड़ी हुई है सर कई वर्षों से, मालूम करेंगे उसको क्या है सौंदर्य तालाब आ गया था। कोई अमेरिकन एजेंसी उसका सर्वे वगैरह भी की थी, सारी प्लानिंग वगैरह जो है वो ब्लूप्रिंट बनी थी, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा, उसको भी देखेंगे। एक बात कहना चाहेंगे जेम साहब की झाझा में आपको पैसेंजर एमिनिटीज और आपके रेलवे एम्प्लॉयज की फैसिलिटी, ये दोनों में बहुत कमी है, देखा जाएगा उसको भी देखेंगे। आपके स्टाफ से भी ये बातें सामने आती है कि नहीं यहाँ कोई क्लब है ना कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जो है वो डिलेपिटेटेड कंडीशन में है। हर जगह तो हो नहीं सकता ना, उसको धीरे धीरे सभी का जो अवेलेबल अपने जेब में जितना पैसा है उसके हिसाब से धीरे 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 सब जगह का विकास किया जाएगा। लोग उम्मीद इसका भी होकर जाएगा, 600 करोड़ प्लस आपको मिले हैं ECR को, तो शायद ये पैसेंजर एमिनिटीज वगैरह में कुछ काम चल रहा है। काफी बताया ना, 90 जगह पे काम चल रहा है, एक साथ सभी जगह पे तो हो नहीं सकता। FOB की बहुत मेजर इशू, उसका मैंने FOB बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। मैंने सुबह ही रेलवे बोर्ड में बात की थी, जो आधा बन गया है आधा और बनना है, उसका कुछ क्वेरी आया है रेलवे बोर्ड से, वो आज ये लोग रिप्लाई कर देंगे, तो वीक 10 डेज में सैंक्शन हो जाएगा। सैंक्शन होने के बाद फिर काम शुरू हो जाएगा टेंडर करके। FOB मैंने सुबह देखा था तो काम शुरू भी यहाँ के लिए सैंक्शन था। एक एस्केलेटर सैंक्शन है क्या? हाँ, डिवीजन के लोग बताए थे, अगर है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जब FOB पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ही एस्केलेटर के और लिफ्ट वगैरह के बारे में बात सोचा जाए। जैसे प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी चीजें अभी देखेंगे, सेट की कमी बनेगा, सभी बनेंगे, सभी बनेंगे। मिनिमम बेसिक एमिनिटीज भी यहाँ पर नहीं है, सभी कोच इंडिकेटर बोर्ड सिर्फ अब प्लेटफॉर्म पर लगाए गए, वो भी फंक्शनल नहीं है। अभी ये सब प्रॉब्लम छोटे चीज बहुत सारे हैं, अभी देख के उनका उस पर सुधार किया जाए। एक आपका रेलवे का ही ग्राउंड है सर, ये चांदवाड़ी मैदान, मतलब अंग्रेज के जमाने का ही है, थोड़ा सा उसका मेंटेनेंस पर अगर ध्यान दिया जाए तो वो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके रेलवे के लिए बेनिफिशियली होगा, देखा जाएगा। और उससे आपके रेलवे एम्प्लॉय के भी बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह में देखेंगे, तो थोड़ा सा SS साहब कहाँ है क्या चांदवाड़ी मैदान क्या है उधर ही।